तो दोस्तों, अगर आप भी जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर या तो पंजीयन संख्या उसका जानना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीका यानी कंप्लीट डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा प्रेस कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस वाले वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। लिंक इसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट क्लिक करके आ सकते हैं या तो अपने ब्राउजर में यहाँ पे सर्च करेंगे dbtagriculture.bihar.gov.in। आप ठीक है, आपको यहाँ पे इतना सर्च करेंगे तो यहाँ पे इस वाले पेज पे आ जाएंगे। वैसे तो लिंक इसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आने के बाद यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर यानी पंजीयन संख्या पता करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, तीसरा ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मुख्य पृष्ठ ऑनलाइन सेवा है। और तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे आवेदन की स्थिति एवं प्रिंट, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है किसान पंजीकरण जाने, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जब किसान पंजीकरण संख्या आपको जानने के लिए, रजिस्ट्रेशन नंबर यानी जानने के लिए आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे है आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे आधार कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, मोबाइल नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम है तो इसको भी कर सकते हैं। अगर आपको यही जानना है रजिस्ट्रेशन आईडी, पंजीयन संख्या, तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आधार कार्ड या तो मोबाइल नंबर के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो मोबाइल नंबर फिल कर देना, ठीक है, जो भी आपके पीएम किसान में मोबाइल नंबर लिंक होगा वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे लॉग इन का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ठीक है। ओटीपी को आपको इस वाले बॉक्स में आपको फिल कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे वैलिड एंड लॉग इन का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ इस प्रकार का इसका इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलता है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे जो किसान पंजीकरण का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे जानने के लिए यानी पीएम किसान का, यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्टेटस, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सारा कुछ डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे पंजीकरण संख्या आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे नाम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम या हस्बैंड नेम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और कैटेगरी वगैरह सारा कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं या तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे दूसरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कहीं कहीं ये रजिस्ट्रेशन नंबर काम आ जाता है, और दूसरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है पीएमकेएस का, अगर आपको उसको पता करना है तो यहाँ पे देखेंगे कि चेक पीएम किसान रजिस्ट्रेशन स्टेटस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे जो है पीएमकेएस रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यानी वो पंजीकरण संख्या था, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। आप इसको भी नोट करके रख सकते हैं या तो इसको स्क्रीनशॉट करके मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे पंजीकरण संख्या चाहिए तो यहाँ पे प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको जो पंजीकरण संख्या आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पंजीयन संख्या आप जान सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा प्रेस कर लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।